अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जुनैद अख्तर और आप देख रहे हैं जी इंटर माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाकसेट की अपडेट बताने वाला हूं। इस बार जियो नेटवर्क के कुछ चैनल बेसकी पर चले हुए हैं, आपने न्यू सॉफ्टवेयर कर लेना है सबसे पहले GX6605 के रिसीवर में। तो वो सबसे पहले आपने डिश की सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने रिसीवर में। कैसे करना है वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। तो उससे पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले डिश की सेटिंग आपने कर लेनी है, चाहे आपके पास 4 फीट की डिश हो या उससे बड़ी डिश हो, 4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, तो वरना आपके पास जियो नेटवर्क के चैनल रिसीव नहीं होंगे। तो अब चलते हैं LCD की तरफ और इसको चेक करते हैं स्कैन करके, और देखते हैं कि जियो के चैनल चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये देखें, ये जियो नेटवर्क की TP आप नोट कर लें, आपके सामने है। तो इसको स्कैन करते हैं। इसकी अपडेट में पहले आपको नहीं दे सका क्योंकि ये बॉक्स मेरे पास नहीं मौजूद था। मार्केट में भी ये बहुत कम हो गया है बॉक्स, जब से ये सॉफ्टवेयर इनका आया है, और रेट भी इनके बढ़ गए हैं। तो इसको मैं ब्लाइंड स्कैन पर लगा दूं। यहाँ पर आपने FTA ओनली नहीं सेलेक्ट करना, ये देखें, वरना आपके पास जियो के चैनल रिसीव नहीं होंगे। यहाँ पर आपने नो रहने देना है, और TV चैनल आपको चाहिए आप TV सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ओके कर दें। अब पाकसेट के मुकम्मल चैनल लिस्ट, और भी कुछ नए चैनल इस पर ऐड हुए हैं, और एक वो चैनल जिसको बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, काबा TV, तो वो इस पर ऐड हो गया है। ये बहुत ही अच्छी खबर है, पाकसेट पर ये चैनल आ गया है, वरना तो इसको लगाने के लिए एशिया 100 लगाते या तो फिर यासेट लगाते। अब ये चैनल पाकसेट पर रिसीव हो सकता है, आपके पास 4 फीट की डिश हो या इससे बड़ी डिश हो। सॉफ्टवेयर करने से पहले आप अपने बॉक्स में चेक कर लें कि आपका बॉक्स का बोर्ड किस वर्ज़न का है, क्योंकि सबसे पहले GX के बोर्ड जो आए थे उनका बोर्ड चेंज था। अब जो आए हैं उन पर F1 और F2 का रिमोट काम करता है, वो बोर्ड अलग है, क्योंकि इनके 2 सॉफ्टवेयर आए हैं। ऐसा ना हो कि आप पुराने बोर्ड का सॉफ्टवेयर नए में कर दें तो आपका रिसीवर रुक जाएगा, या तो आपका रिसीवर डिस्प्ले लोगो पे रुक जाएगा या तो फिर रेड लाइट पर चला जाएगा। तो सॉफ्टवेयर करते वक्त आपने ये चीज़ ख़ास जहन में रखनी है कि आपके पास सॉफ्टवेयर ओरिजिनल होना चाहिए, उसी बोर्ड का होना चाहिए, तभी आप ये चैनल देख सकेंगे। सॉफ्टवेयर के दौरान आप अगर UPS का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है, वरना पावर कट हो गई तो आपका रिसीवर रेड लाइट पर चला जाएगा। जारी है, अभी तक 33 TV चैनल रिसीव हुए हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर करने के बाद आपके पास LCD की स्क्रीन पर या TV की स्क्रीन पर QR कोड आएगा, उसको आपने एंड्रॉयड मोबाइल से स्कैन कर लेना है। एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, DBB फाइंडर के नाम से, उस पर QR का ऑप्शन मौजूद होगा, उसको सेलेक्ट करते ही आपके पास QR का कोड आ जाएगा। वो कोड आपने अपने रिसीवर में एंटर करना है,
और उसके बाद आपने पैक सेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद उस चैनल को ट्यून करें। चैनल ट्यून करने के बाद आपने अपने रिसीवर में वाईफाई अटैच करनी है। उसके बाद आपने F4 का बटन प्रेस करना है। स्कैन कंप्लीट हो गई है तो आपने जियो का जो भी चैनल सॉफ्टवेयर पर चल रहा है, जैसे जियो कहानी, जियो सुपर, जियो मिडिल ईस्ट, आपने हर चैनल पर एक मर्तबा F4 का बटन प्रेस करना है। नेट आपका ओके होना चाहिए वाईफाई लगाकर, वरना ये चैनल फिर भी नहीं चलेंगे। अगर न्यू सॉफ्टवेयर और आ गए हैं तो उनमें हो सकता है QR कोड का ऑप्शन ना आए। ये देखें, ये हेलो बॉक्स के नाम से ये सॉफ्टवेयर है, QR आपके सामने है। तो अब चेक करते हैं चैनल। ये देखें, जियो कहानी चल रहा है इस पर, जियो मिडिल ईस्ट, जियो सुपर, ये देखें ये। उसके बाद सैटेलाइट को मैं अलग कर लेता हूँ। ये देखें, ये फ्री काफ़ी सारे नए चैनल इस पर ऐड हैं पाक सेट पर। ये सारे फ्री चैनल आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये तकरीबन बेस्की का चैनल होगा, देखते हैं बेस्की में है या जी। हाँ, तो आपको नज़र आ रही है नीचे बेस का ऑप्शन मौजूद है। तो वाईफाई इस वक्त मेरे पास नहीं लगा हुआ, तो मैं वाईफाई लगा कर इसको बाद में F4 का बटन प्रेस करूँगा तो इसकी बेस की भी ऐड हो जाएगी। तो अभी मैं दूसरे चैनल चेक कर लेता हूँ। जो भी बेस की के चैनल हैं, आप इसको F4 का बटन प्रेस करके उनको चला सकते हैं, क्योंकि ये ऑटो बेस की उनकी उठा लेगा। आपके पास वाईफाई लाजमी होना चाहिए, वरना ये चैनल आपके पास बेस की के नहीं चलेंगे। ये देखें, ये अपना टीवी, ये भी छोटे डिश पर आपको रिसीव नहीं होगा क्योंकि उसके सिग्नल नहीं आते। CTV हो गया, जैसे कम सिग्नल होते हैं। उसके बाद काबा लाइव, ये है वो चैनल। ये देखें, ये लाइव चल रहा है। आप इसको लगाकर इस सैटेलाइट पर देख सकते हैं, वो अभी फ्री में। ग्लोबल TV, जो म्यूजिक, JK न्यूज़, जिंदगी सिनेमा, इस पर SK मूवी चला हुआ है, फिल्म एजिया, सिल्वर सुपर स्क्रीन। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।